हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी भारत स्टडी भारत यूट्यूब चैनल में मैं अमन वोहरा आप सभी का स्वागत करता हूं तो फ्रेंड्स एक बहुत ही बड़ी बड़ी गुड न्यूज़ है यू जी सी स्टूडेंट के लिए तो फ्रेंड्स गुड न्यूज़ ये है कि जो एन की वेबसाइट है उसके ऊपर एन टी ने जो स्टूडेंट अपना एग्ज़ाम दे आए थे अट्ठारह से बाईस दिसंबर के बीच में जिनके एग्ज़ाम हुए थे जो उन्होंने एग्ज़ाम दिया था जिन स्टूडेंट ने उनके क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट वहाँ पे अपलोड कर दी गई है आप एन की एन की वेबसाइट पे जाके उसको चेक कर सकते हैं तो देखते हैं पूरी वीडियो में आपको कैसे कैसे करना है तो फ्रेंड्स आप ये देखिए कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एन ने आज ही पाँच साढ़े पाँच के करीब एक नोटिफिकेशन जारी किए जिसमें उन उसने बताया है कि जो स्टूडेंट ने 18 से 22 दिसंबर के बीच में एग्ज़ाम दिया था उसके क्वेश्चन पेपर और उसकी आंसर की जो उसके जो आंसर जो रिस्पांस किया था स्टूडेंट ने वो भी आंसर शीट भी अपलोड कर चुके हैं मतलब कि क्वेश्चन पेपर जो आपको आया था पेपर वन पेपर टू का साथ में आंसर शीट दोनों ही अपलोड कर दी गई तो फ्रेंड्स आप जिन्होंने जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आंसर टिक किए थे आपको वो रिस्पांस पता चल जाएगा कि आपने कौन कौन से आंसर टिक लगाए हैं आपके क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट दोनों ही अपलोड कर दी गई हैं तो जल्दी से देखिए इसको आप ये इस पहले स्लाइड को देख लीजिए इसको एक बार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यहाँ पे साइड में डेट लिखी हुई है चौबीस दिसंबर दो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यू नेट दिसंबर दो पब्लिक नोटिस है ये इसमें साफ साफ बताया कि यहाँ पर इसकी वेबसाइट पर जाकर आप इसको चेक कर सकते हैं तो फ्रेंड्स आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि आंसर की जो है वो अपलोड कर दी गई है जिन्होंने 18 से 22 दिसंबर को एग्ज़ाम दिया था आप ये नीचे एक इम्पॉर्टेंट ये देखिए जो लिखा है कि प्लीज़ लॉग इन एंड क्लिक लिंक फॉर फो डिस्प्ले फॉर योर क्वेश्चन पेपर फॉर योर रिस्पॉस यानी कि आप लॉग इन कीजिए क्लिक लॉग इन कीजिए आपको आपकी जो क्वेश्चन पेपर आंसर की जो आपने रिस्पॉन्स दिया था क्वेश्चन का यानी कि जो आपने सवालों के जवाब दिए थे वो सही है कि गलत आपको अभी पता चल जाएंगे तो स्टूडेंट्स फ्रेंड्स आपको करना कुछ नहीं है आप एन की जो वेबसाइट है एन टी ए नेट डॉट एन आई सी डॉट इन पर जाइए वहाँ पे जाने के बाद जब आप एन टी की वेबसाइट पर जाओगे तो आप साइट पर जाने के बाद नीचे जाना थोड़ा सा वहाँ पे आपको ये दो ऑप्शन आएंगी डाउनलोड एडमिट कार्ड और व्यू क्वेश्चन पेपर आप व्यू क्वेश्चन पेपर एंड रिस्पॉन्स के ऊपर क्लिक करना क्लिक करने के बाद आपको ऐसी स्लाइड दिखाई देगी आप स्लाइड में देखिए आपको ऐसी ये सर आपको ये ऐसे दिखाई देगा जो साइड पे लिखा है ये यहाँ पे ऑल लिखा है आपका एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड और सिक्योर जो कैप्चा लिखा हुआ है इस कैप्चा को यहाँ पे भर देना है भरने के बाद आपको लॉगिन कर देना है तो फ्रेंड्स लॉग करने के बाद जो है आपको आपके जो क्वेश्चन पेपर हैं और आपके जो रिस्पॉन्स है आपको वो मिल जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि आपसे क्वेश्चन पेपर में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था और आपने उसका क्या आंसर दिया है ठीक है फ्रेंड्स आपको इससे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आपका ये क्वेश्चन सही है या गलत तो ये होने के बाद ये जो क्वेश्चन पेपर और रिस्पांस रेट है ये वैलिड रहेगा 28 दिसंबर 2018 तक यानी कि आज 25 दिसंबर है और आगे के जो तीन दिन है तब तक ये वैलिड है और इसके बाद ये हटा ली जाएंगी हटाने के बाद क्या होगा कि इसके बाद तीस या इकतीस दिसंबर को इसकी आंसर की इस अपलोड की जाएगी तो फ्रेंड्स जल्दी से आप एनटी की वेबसाइट पे जाके आप अपने क्वेश्चन पेपर और रिस्पॉन्स को चेक कीजिए तो फ्रेंड्स सभी को मेरी तरफ से गुड लक एंड बेस्ट विशेस आई होप कि आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छा रहे पॉजिटिव रहे आपका रिज़ल्ट जो है वो अच्छा है तो आप जल्दी से चेक कीजिए और देखिए कि क्या रिस्पॉन्स है तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए भूलिए तो अपने दोस्तों में रिश्तेदारों में फ्रेंड्स में इसको भेजिए इसको शेयर कीजिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिए तो फ्रेंड्स एक बात और है कि वीडियो पर कोई भी मेरे गलत कमेंटिंग मत कीजिए क्योंकि इतने मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ तो आप प्लीज़ उसके ऊपर गलत कमेंटिंग मत कीजिए यही मेरी आपसे गुजारिश है तो फ्रेंड्स चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद